नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एल टी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यो, ब्लॉक लमगुड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग द सर्किल में नॉर्मल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट निकालना सीखेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग द सर्किल में नॉर्मल और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट से निकालना सीखेंगे। टेंजेंट हद निकालना हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कर लिया था, आज हम उसका नॉर्मल निकालना सीखेंगे जो बहुत सिंपल है। तो उसके लिए कुछ नहीं, हम उसी तरह से शुरुआत करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अगर ये सर्किल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो, तो सपोज हमें ये पॉइंट मान लेते हैं एक्स डैस वाई डैस, इस पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी। तो तरीका सिंपल है, आपको टेंजेंट का स्लोप पता है, नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा उसका, माइनस वन अपॉन एम टाइम्स। तो अगर हम इसके स्लोप की बात करें तो उसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, 2x प्लस 2y dy by dx इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाता है y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x, या dy by dx एट x1 x डैस कॉमा y डैस, ये हो जाएगा माइनस x डैस अपॉन y डैस। ये तो हुआ टेंजेंट का स्लोप। अब हमें नॉर्मल का स्लोप निकालना, तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेंजेंट का स्लोप, तो ये हो जाएगा वाई डैस अपॉन एक्स डैस। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता करनी है, तो इक्वेशन वही नॉर्मल कुछ नहीं, नॉर्मल अपने आप एक स्ट्रेट लाइन हुई, तो वाई माइनस वाई डैस इज इक्वल टू स्लोप की जगह पर एम एन आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स डैस, तो वाई माइनस वाई डैस इज इक्वल टू वाई डैस अपॉन एक्स डैस, एक्स माइनस एक्स डैस, इसको मल्टीप्लाई कर ले, वाई एक्स डैस माइनस वाई डैस एक्स डैस इज इक्वल टू वाई डैस एक्स माइनस वाई डैस एक्स डैस, ये टर्म कैंसिल आउट। तो इक्वेशन होगी एक्स वाई डैस माइनस वाई एक्स डैस इज इक्वल टू जीरो, ये नॉर्मल की इक्वेशन होंगे। इसको आप लोग चाहे तो ऐसा ना करके एक कॉन्सेप्ट और बनती है, जैसे ये वाला सर्किल का स्लोप हो गया जीरो जीरो, सेंटर हो गया जीरो जीरो, तो आप सर्किल के केस में तो आपको पता है कि जो टेंजेंट और नॉर्मल के एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल सेंटर से ही पास हो कि आप y माइनस वाई वन और एम एक्स वाले कंसेप्ट से भी निकाल सकते हैं। मतलब मीन्स इस तरह से, जो y माइनस वाई डैस जीरो माइनस वाई डैस अपॉन जीरो माइनस एक्स डैस एक्स माइनस एक्स डैस, सेम प्रोसेस यहाँ से भी की जा सकती है। अब हम इसी इक्वेशन को निकालना सीखेंगे जब हमारा सर्किल की इक्वेशन ये वाली ना हो, के कौन सी हो, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ फाइव प्लस सी वाली हो। तो उस केस में ये सर्किल बन जाएगा हमारा, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ फाइव प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब की बार सेंटर माइनस जी माइनस एफ, पॉइंट हम फिर वही मान लेते, लेट पॉइंट बी एक्स डैस एंड वाई डैस। अब हम इसकी इक्वेशन निकालना सीखते हैं, तो कोई नहीं, पहले आप इसका डिफरेंशिएट कर लें, तो ये 2x 2y dy अपॉन dx 2g 2f इंटू dy by dx इज इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाता है, 2 कॉमन आता है, y प्लस f dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2x, या 2 कॉमन ले तो 2 एक्स प्लस जी। तो ये स्लोप आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस जी अपॉन वाई प्लस एफ, और इसको और सिंप्लीफाई कर ले तो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स डैस वाई डैस इज इक्वल टू माइनस एक्स डैस प्लस जी और वाई डैस प्लस एफ। अब हमें इक्वेशन निकालनी है, ये तो था टेंजेंट का स्लोप, अब हम इसी से नॉर्मल का जब स्लोप निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसका अपोज उल्टा, वाई डैस प्लस एफ और साइन भी इसका नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी प्लस एक्स डैस। अब इसकी इक्वेशन पे आते हैं, वाई माइनस वाई डैस इज इक्वल टू स्लोप हो गया वाई डैस प्लस एफ अपॉन एक्स डैस प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स डैस, इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करके ये आता है वाई एक्स डैस प्लस वाई जी
माइनस वाई डैश माइनस वाई डैश जी इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस एफ एक्स वाई डैश प्लस एक्स एफ माइनस एक्स डैश वाई डैश माइनस एक्स डैश एफ। तो इसमें ये वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाता है, तो बाकी आप इसको ऐसा कर लीजिए वाई वाला टर्म यहाँ कॉमन ले लें तो ये बन जाता है एक्स डैश प्लस जी इस दोनों से। सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो एक्स कॉमन आता है वाई डैश प्लस एफ, और इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये बन जाता है वाई डैश प्लस एफ। ये दो टर्म्स ही सॉल्व हो गए, बाकी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके ऐसे ही सिंपली उतार देते हैं तो ये बन गया एक्स डैश एफ इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन जब आपका सर्किल एक्स स्क्वायर वाला हो। आप इसको वैसे भी निकाल सकते हैं, इस लाइन को मिला लीजिए और इतनी प्रोसेस करने से बचना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या सिंपल जो टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी उस पर स्लोप को उसका वन अपॉन करेंगे, लेकिन वो भी प्रोसेस तो होगी। इसी तरह से जब आप ये वाली इक्वेशन लेके चलते हैं इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में कि जब वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी को हम सर्किल की टेंजेंट बनाते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह की आती थी। इससे अगर आप नॉर्मल निकालना है तो इसमें क्या कर लेंगे, एम की जगह पे माइनस वन अपॉन एम रख देंगे तो ये इसकी स्लोप फॉर्म में भी इक्वेशन आ जाएगी। तो बच्चों ये तो हमारे दो टॉपिक नॉर्मल के कंप्लीट हो गए हैं, जो कि टेंजेंट निकालने के बाद जैसा कि होता है इजी हो जाते हैं वो इजी हो गए। हाँ, जब इनको हम पैराबोला हाइपरबोला में पढ़ेंगे तो वहाँ कंडीशंस कुछ और बनती हैं, वो फिर उसको उसी में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद सीखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टीडियस भी है, इसको समझते हैं। बच्चों अब हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स निकालना सीखेंगे। ये एक सिंपल कॉर्ड नहीं है, ये कॉर्ड है कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स। इसकी मीनिंग को समझते हैं, ये है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जी वगैरह के एग्जाम्स में। तो मान लिया पहले अगर हम सर्किल की इक्वेशन को एज्यूम कर लें, लेट सर्किल हमारा कुछ इस प्रकार का है, तो ये है क्या कि एक पॉइंट आपके पास टी है, मान लिया यहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दी और अब हमने माना इसने इसको पी और क्यू पॉइंट्स पर टच किया, तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन नहीं इस कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन को निकालना है। कॉर्ड तो इसमें कई सारी हो सकती है लेकिन यही है कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट। इसमें टी आपका एक नोन पॉइंट है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ टी बी अल्फा एन बीटा, टी हमारा क्या नोन पॉइंट है। अब हमारे पास पी और क्यू क्या है नोन पॉइंट्स है, तो लेट इनके कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश और वाई डैश मान लिए, इसके कोऑर्डिनेट एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। अब हमें क्या करना है, कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन निकालनी, तो सबसे पहले हम यही देखें इस पी क्यू की इक्वेशन होगी क्या। इसकी इक्वेशन वाई माइनस वाई डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश एक्स माइनस एक्स, ये सिंपल एक लाइन की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासेस थ्रू टू पॉइंट, वही हमारी कॉर्ड भी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि टीपी और टीक्यू की बात, टीपी हमारी क्या है एक टेंजेंट है, तो टीपी की इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये टीपी क्या है, ये अल्फा और बीटा पॉइंट से भी जा रही है, तो इट मीन्स ये अल्फा और बीटा को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, एक्स की जगह पर रख देंगे अल्फा, तो ये अल्फा एक्स डैश बीटा वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये टी पॉइंट को भी सेटिस्फाई कर रही है। इसी तरह से टी क्यू की इक्वेशन निकालें तो वो क्या हो जाएगी, एक्स डबल डैश वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो सेम चीज ये टी पॉइंट से भी जा रही है तो ये उस कोऑर्डिनेट को भी क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, तो बीटा वाई वाई डबल डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब अगर हम लोग एक काम करें, हमारे पास दो पेयर इक्वेशंस का यहां बन गया है, दो पेयर यहां बन गया है, लेट इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये क्या बनता है, अल्फा एक्स डैश माइनस अल्फा एक्स डबल डैश प्लस बीटा वाई डैश माइनस बीटा वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो, और सिंप्लीफाई कर लें, एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस बीटा वाई डैश माइनस वाई डबल डैश, और सिंप्लीफाई कर लें, इसको लिख दें एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश, और सिमिलरली यहाँ पर वाई डबल डैश माइनस वाई डैश, क्यों, क्योंकि हमारा स्लोप निकल जाएगा, देखो यहाँ से, तो वाई डबल डैश माइनस वाई डैश अपॉन एक्स डबल डैश माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा अपॉन
बीटा, यानी कि हमारी जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट है, या सीधे कहें कॉर्ड कहें पी क्यू की, तो उस पी क्यू कॉर्ड का हमें क्या मिल गया, स्लोप मिल गया। तो अब ये इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, वाई माइनस वाई डैश इस पूरे टर्म की जगह क्या आ जाएगा, माइनस एल्फा अपॉन बीटा। आप इसमें कोई भी फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं, आप सिंपल प्रोसेस समझिए। प्रोसेस ये है कि इसकी इक्वेशन निकालनी है तो भैया आपको वो एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन से हम उसको ड्राइव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दें तो बीटा वाई माइनस बीटा वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एल्फा एक्स प्लस एल्फा एक्स डैश। सबको राइट हैंड साइड में ले आए तो ये क्या बनता है, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, और इन दोनों टर्म्स को, ये वाई डैश वाले टर्म्स को उधर ले लें, बीटा वाई डैश को, तो बीटा वाई डैश एल्फा एक्स डैश प्लस बीटा वाई डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये बन गया एल्फा एक्स तो बीटा वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या ये सिंप्लीफाई करके देखा जाए तो क्या बन गया, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या इक्वेशन आ गई, सीधे सीधे कहें तो ये इक्वेशन क्या है अपने आप में, ये टेंजेंट की इक्वेशन तो है। हम क्या कह सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अगर हमें किसी भी सर्किल पे निकालनी है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू जीरो, टी का अर्थ उसके टेंजेंट की इक्वेशन। अगर हम इसको जनरल इक्वेशन उसके लिए करें, जनरल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो वहां के लिए क्या कर देंगे, एल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस जी एल्फा प्लस एक्स प्लस एफ वाई प्लस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सीधे सीधे जब कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी तो टी इज इक्वल टू जीरो कर देना। ये जो ट्रिक आप रखते थे वो ट्रिक या आपने मेमोराइज करी होगी तो उसको निकालने की टेक्निक ये वाली है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये एक टीडियस से टॉपिक था समझ में आया होगा। धन्यवाद।